बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। में जहरीली शराब से लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, हालांकि आधिकारिक रूप से दो ही लोगों की मौत की बातें सामने आ रही है। सिवान जिला के भगवानपुर स्थित सागर गांव में है, जहां पे मोहन शाह के घर पे पहुंचे हुए हैं और मोहन शाह के घर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि इनकी शराब पीने से मौत हुई है। इन्होंने परिजनों ने बताया कि कल शाम को ये शराब पी के आए थे, सुबह 3 बजे करीब में इनकी आंखों से कम दिखाई दे रहा था, जिसके बाद परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है, ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि एक दर्जन से ज्यादा लोग मरे, हालांकि पुलिस अभी तक सिर्फ दो ही लोगों की मौत की बातें बता रही है। कुछ लोग हैं, मुझसे बात करते हैं, क्या कितने लोग? अरे अभी तक मेरे पंचायत में 5 से 6 आदमी मरे हुए हैं, लेकिन आंकड़ा बहुत लंबा जाएगा, क्या है कि यहाँ पे 3 को 4 को पंचायत के बॉर्डर मिलता है, तो सबको बताना मुश्किल है। लेकिन हमारे पंचायत के सुभाष महतो सबसे पहले मरा था, उसके बाद मुन्ना मियाँ मरा हुआ था, संचा मियाँ का पुत्र है। अभी तीसरा स्थान मोहन चचा थे, हम लोग के गरीब परिवार से बिलोंग करते, मोहन शाह जो की सब्जी बेचते थे वो मर गए। इनके भतीजा शैलेश है, उसका तबीयत खराब है। इनके घर के बगल में मनोज शाह है, उनका तबीयत खराब है। उसके बगल में जाइएगा तो रामू राय है, उसको तबीयत खराब है। एक बिट्टू पासवान है, महेश राम का बेटा, उसका तबीयत खराब है। अनगिनत लोगों का तबीयत खराब है और ये लोग सुबह से अभी तक बहुत सारा आंकड़ा छुपाया जा रहा है। बिलासपुर में 2 आदमी मर गया जिसको अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। कल कोई पुलिस प्रशासन की टीम नहीं आई हुई थी, हम लोग सुबह से उठ के लगे हुए हैं, तब जाके प्रशासन को खबर दिए, तब जाके प्रशासन आई है। खुलेआम बिकता है सर, क्या बिकता है? पहले मसरख में जो कांड हुआ था उस समय भी हम लोग प्रशासन से आवाज उठाए हुए थे कि ऐसे ऐसे शराब बिकता है, कोई एक्शन नहीं लेता है प्रशासन। बार बार हमारे नेताजी हैं जो कि काफी संघर्ष करते हैं, नेता से बात के पहले बताइए खुलेआम शराब बिकता है? हाँ बिका बिकता है, जाए तो कितना का मिलता है? आप कह जाने कितना का, हम लोग क्या कहेंगे? जहरीली शराब, जहरीली शराब पीने से भी मेरे जानकारी में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 आपको कौड़िया पंचायत के 22 टोली गांव में, 2 मुसहर टोली में, 1 हरजन पुलवर का राजकुमार मांझी का बेटा था, उसका मौत हुआ है। यहाँ 5-6 आदमी का देख ही रहे हैं, ये कुल मिल 2-4 आदमी आपको बिलासपुर पंचायत में, बिलासपुर 16 लोग, हाँ 16 लोग सिवान जिला में, भगवानपुर ब्लॉक में, सिवान जिला, सिवान जिला में। अच्छा, कहाँ से ये लोग शराब पिए, कुछ सब लोग एक साथ पिए थे कि अलग-अलग? नहीं नहीं अलग अलग, यहाँ शराब की होम डिलीवरी हो रही है, शराब कटता है मसरक में, शराब कटता है मलमलिया मोड़ पर, शराब कटता है आपको बहियारा चौर में, और उसी जगह से शराब की होम डिलीवरी होती है। और ये सारे प्रशासन को मालूम है, थानेदार, ये तीनों थाना के थानेदार पैसा लेता है। और हम कई बार, मैं पूर्व जिला पार्षद अवध किशोर सिंह हूँ, जो 2001 में पूरे बिहार में फर्स्ट हुआ था सबसे अधिक वोट से, हमारा अपना ने एक टेक है ईमानदारी का और सामाजिक काम का, हमने कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचित किया कि अमुक अमुक जगह शराब बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, लोग मर रहे हैं। इसके पहले भी 35 आदमी नबीगंज में बालागांव में मरे थे, उस समय भी नेता प्रतिपक्ष के सामने हमने आवाज बुलंद किया था, और आज आपके सामने बुलंद कर रहा हूँ कि ये सारे सरकारी मशीनरी, खास करके थाना अध्यक्ष की मिली भगत से शराब का अवैध डिलीवरी हो रहा है, बिक रहा है, जहरीली शराब मिल, जहरीली शराब मिल रहा है। ये इनका साफ तौर पे आरोप है कि जहरीली शराब लगातार बिकती है। इनके परिवार है, क्या कहें, कैसे हुआ है? ऐसे मन हॉस्पिटल में लेके
सकते हैं मोहन शाह के घर की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। शराब से, जहरीली शराब पीने से लगभग 15 से ज्यादा लोगों की मौत की बातें सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन अभी तक सिर्फ दो लोगों की बातें कर रहा है कि दो लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। प्रशासन इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार पुलिस की मिलीभगत से शराब की यहाँ बिक्री होती है। आपको बता दें कि 2 वर्ष लगभग पहले मशरक में भी 70 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि मशरक से ही ये शराब आती है, सिवान, छपरा, गोपालगंज में ये शराब जाती है, जहरीली शराब, जहाँ पीने से लगातार लोगों की मौत आ रही है, मौत की बातें सामने आ रही है।